યુફ્લેક્સના નફો 11.7% વધ્યો છે. કુલ પ્રોડક્શન વોલ્યુમ તમને સરસ રીતે વધતું જોવા મળી રહ્યું છે અને ઓવરઓલ નંબર્સ ઘણા સારા તમને જોવા મળી રહ્યા છે. વધુ વાતચીત કરીએ યુફ્લેક્સના સીએફઓ રાજેશ ભાટિયા સાથે. રાજેશજી, સબસે પહેલે બહોત બહોત સ્વાગત હૈ આપકા સીએનબીસી બજાર પર. શુક્રિયા હમારે સાથ જુડને કે લિયે. ઓર નંબર્સ હમ દેખ રહે હૈ, કાફી એન્કરેજિંગ નંબર્સ આપને પોસ્ટ કિયે હૈ, તો સબસે પહેલે ચર્ચા કી શરૂઆત યહીં સે કરતે હૈ. ઇસ બાર અચ્છા પરફોર્મન્સ હમને દેખા, કૈસે આપને દેખે નંબર્સ ઓર કહાં સે સપોર્ટ મિલા, યહાં સે ચર્ચા કી શરૂઆત કરેં. ઓકે, સો ઇસ ક્વાર્ટર ઇસ તિમાહી મે હમને કરીબ 27% કે કરીબ રેવન્યુ ગ્રોથ લિયા હૈ એઝ કમ્પેર ટુ same period in the last year. EBITDA growth mila hai kareeb 16% ka is quarter mein aur PAT level pe kareeb 12% ka growth dekhne ko mila hai is quarter mein. Agar hum pura H1 bhi dekhein jo half year for this FY23 to hame overall half year basis pe bhi acha growth dekhne ko mila hai. Kareeb 32% ka growth mila hai hame EBITDA level पे, 36% का ग्रोथ मिला है रेवेन्यू लेवल पे, और करीब 30% का ग्रोथ मिला है हमें PAT लेवल में. इस क्वार्टर में थोड़ा सा पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस इंपैक्टेड था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इवेंट्स एज वेल एज फॉर द इंडिया इवेंट्स की वजह से, बट जो बिजनेसेस ने उसको मेकअप किया है वो है असेप्टिक पैकेजिंग. उसमें हमने देखा कि इस तिमाही में भी हमने करीब 150% के आसपास ग्रोथ दिखाया है. पूरे H1 में भी करीब 150% के आसपास ग्रोथ है हमारा. और जो हमारा पैकेजिंग बिजनेस है जो जिसमें फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस, उसमें भी हमें इस क्वार्टर में करीब मिला है 28% का ग्रोथ, और H1 के बेसिस में भी उसमें हमें ओवरऑल ग्रोथ ठीक मिला है. तो जो हमारे पैकेजिंग बिजनेस के हैं असेप्टिक पैकेजिंग एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर H1 बेसिस पे ऑल एरियाज आर वेरी सेटिस्फाइंग ग्रोथ वाइज, and overall it's an extremely good performance from Uflex point of view. अच्छा सर, अब जो ग्लोबल हमारी मैन्युफैक्चरिंग जगह हैं, यूनिट्स हैं, वहाँ पर अभी जो पावर वगैरह यूरोप की अगर हम बात करते हैं, हंगेरी है, वहाँ पर जब सब जगह पे जो सिचुएशन है, पोलैंड है, पावर का थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी है, ये कैसे आपने वापस आता हुआ देखा है, यहाँ पे कैसे नॉर्मलाइजेशन है, और जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो उसमें डिमांड में कोई असर आया है कि नहीं, दोनों एस्पेक्ट से बात करते हैं बाहर के मार्केट्स में. सो डेफिनेटली यूरोप में एनर्जी प्राइसेस हाई हैं. अगर हम इस तिमाही में देखें तो करीब हंगरी में हमारा 150% कॉस्ट ज़्यादा आई है एनर्जी का. पोलैंड में हमारा ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट ज़्यादा आई है. पोलैंड में थोड़ा सा इसलिए एडवांटेज हो गया बिकॉज हमने ऑलरेडी पहले कॉन्ट्रैक्टेड था हमारा लार्जली फॉर FY22, तो वहाँ थोड़ा सा बेनिफिट हो गया. बट एनर्जी रिमेन्स अ चैलेंज इन यूरोप. यूरोप में बिकॉज ऑफ द एनर्जी अवेलेबिलिटी दोज इशूज आर कॉन्टिन्यूइंग, दे आर डायनमिक. बट अभी तक वहाँ पे कोई नॉन अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है. एनर्जी अवेलेबल है आपको. थोड़ा डिमांड इम्पैक्ट हमने देखा है इस क्वार्टर में यूरोप में. जैसे लोगों का जो इंडिविजुअल लेवल पे जो कंजम्पशंस हैं वो थोड़ी सी अफेक्ट हुई हैं हाई एनर्जी प्राइस पे चलते हुए, और उसका ऑब्वियसली इसीलिए मैंने बोला कि ग्लोबल और इंडिया लेवल पे जो पैकेजिंग फिल्म्स इंडस्ट्री में कुछ मुद्दे रहे इस क्वार्टर में, जिससे पैकेजिंग बिजनेस फिल्म्स बिजनेस में थोड़ा सा परफॉर्मेंस अफेक्टेड है. बट दूसरे बिजनेसेस ने इसको मेकअप किया है और बहुत बहुत शानदार तरीके से मेकअप करके अच्छे रिजल्ट्स हम आप लोगों का अपने इन्वेस्टर्स को दे पाए हैं इस क्वार्टर में. बट वो एरिया जो है यूरोप में वो एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा, और उसकी जो सॉल्यूशंस हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, वो एक जियोपॉलिटिकल लेवल के इश्यूज हैं.
आगे चल के कैसे स्थिति बनेगी। हम लोग बहुत डायनामिक हैं इस फील्ड में। हमने अगले साल के भी कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ कर लिए हैं सो दैट अवेलेबिलिटी हमारे इशू नहीं रहे अवेलेबिलिटी का ऑन द एनर्जी। ठीक है सर, अब आते हैं मार्जिन्स पर। जिस प्रकार से रॉ मटेरियल वगैरह की बाकी जो सारी स्थितियां थी उनमें अब इम्प्रूवमेंट ज़रूर आने लगा है। अगर हमारे नंबर्स में भी हम देखें तो मार्जिन्स जो है वो डेफिनेटली आपके एक बार फिर से स्टेबल होने की कोशिश में है। सो ये बताइए सर, ओवरऑल बाकी सारे हमारे जो वर्टिकल्स हैं, ओवरऑल मार्जिन्स हमारे जो हैं, आपने रॉ मटेरियल को कैसे देखा है और अब मार्जिन्स को कैसे आगे यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें? सो रॉ मटेरियल इस क्वार्टर में टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और उसकी वजह से एक एक बार में थोड़े से जो स्टॉक लॉसेस आते हैं वो भी आते हैं। तो रॉ मटेरियल आगे चलते हुए पिछले क्वार्टर से या इस क्वार्टर को अगर हम दो भागों में बांटे जुलाई अगस्त और उसके बाद सितंबर में, तो सितंबर में थोड़ा सा बेटर रॉ मटेरियल प्राइसेस देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर मैं हम देखें कि मार्च से लेके अप्रैल से लेके सितंबर तक, उसमें फिर भी हमारा वर्किंग कैपिटल डिप्लॉयमेंट बढ़ा है। करीब 40% के करीब हमारा वर्किंग कैपिटल डिप्लॉयमेंट हुआ है जो लार्जली हमने इंटरनल अक्रूअल से फंड किया है। तो ये जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस अब बढ़े हैं, बढ़ के अब कम हो रहे हैं, तो ये आने वाले क्वार्टर में थोड़ा सा बेटर मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल होने की उम्मीद है। बट यस, अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग दोनों रॉ मटेरियल के में करेक्शन आई है। डेफिनेटली, तो यही सारे मुद्दे हैं जो हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन आप यथावत रखें और अपने इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। थैंक यू सर।